फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल से समर के प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ। और यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर पर्सलेन खिल रहे हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ देखिए, मेरे हिबिस्कस पे कितने सारे फूल आ रहे हैं और जो मैं लगभग रोज ही आपको दिखाती रहती हूँ। देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल आ रहे हैं और पूरा प्लांट मेरा फूलों से भरा है एकदम। ये देखिए, तो चलिए हम चलते हैं उस प्लांट पर। तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास दो वेरायटी के प्लांट हैं, तीन वेरायटी के हैं। ये एक वेरीगेटेड पत्तियों वाला है और इसमें येलो और रेड कलर के फ्लावर आते हैं ये वाले प्लांट में। यहाँ पर देखिए, ग्लाडिया में कितने सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं, बिल्कुल भर भर के बंचेस में। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से फ्लावर हैं। तो ये देखिए, एक ये वेरायटी है, थोड़ी लंबे से प्लांट होते हैं इसके, थोड़ी टॉल सी वेरायटी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और ये वाला देखिए, ड्वार्फ वेरायटी का है, ये येलो कलर का। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा है। तो बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करते हैं, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होते हैं। देखिए इनके फ्लावर कितने ज़्यादा सुंदर हैं। तो अगर आप एक इसका एक प्लांट लगा लेते हैं तो आपके गार्डन में ये सालों साल बना रहेगा फिर, क्योंकि ये नीचे से पप्स निकालता है इस तरह से। देखिए मल्टीप्लाई होता रहता है और बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। अगर आपने एक बार इसको प्लांट को लगा दिया तो आपके गार्डन में इसके प्लांट हमेशा बने रहेंगे और कभी भी फूलों की कमी नहीं होगी। समर में और रेनी सीजन में ये बहुत ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर। आपको बहुत सारी वेरायटी मिल जाएगी, ड्वार्फ में, टॉल वेरायटी में, और काफ़ी सारे सुंदर सुंदर से कलर। आजकल तो बहुत ज़्यादा सुंदर कलर कलर इसमें आने लगे हैं, एकदम डार्क रेड, येलो, और ये देखिए दो कलर है इसमें, येलो और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, बहुत प्यारा सा। तो इस तरह से फ्लावर आपको मिल जाएंगे। तो आप इसको नर्सरी से लगभग 20-30 रुपये में इसका प्लांट मिल जाएगा अगर आप नर्सरी से लेना चाहें तो। नहीं तो आप अपने कहीं भी नेबर्स के यहाँ, किसी के यहाँ भी हो तो वहाँ से आप इसको मांगकर भी ला सकते हैं, दे देंगे बहुत आसानी से, क्योंकि एक प्लांट से इसमें बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं तो किसी को देने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो हम मिट्टी की बात करते हैं, वैसे तो हर तरह की मिट्टी में चल जाता है, लेकिन अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी अच्छी वेल ड्रेन बनाए ताकि इसमें पानी, वैसे तो पानी इसको पसंद है, जहाँ पे पानी का बहुत ज़्यादा वो होता है, स्रोत होता है, जैसे नल वगैरह के आसपास और सब जगह, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर ग्रो करता है। तो इसको पानी हर रोज़ ज़रूरत होती है, पानी अच्छा आप दीजिए, थोड़ी सी इसकी मिट्टी मॉइस्चर रहनी चाहिए तो प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। और सीड से भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं, देखिए इस तरह से इसमें सीड बनते हैं, देखिए ब्लैक कलर के मोतियों के दाने की तरह। ये देखिए, आप इसको प्रोपोगेशन की बात करते हैं तो सीड से भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह के सीड इसके बनते हैं। ये देखिए, तो इस सीड से भी प्रोपोगेट हो जाता है और नीचे जो पप्स इसके निकलते हैं, ये देखिए न्यू न्यू प्लांट इस तरह से निकलते रहते हैं नीचे से। तो सीड्स और पप्स से, दोनों से ये बहुत आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में। और देखिए कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। सनलाइट की बात करते हैं तो ये अच्छे फुल सनलाइट में चल जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस थोड़ी सी ऐसे पत्तों में बर्निंग शुरू हो जाती है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे ही फ्लावर खत्म हो जाते हैं तो ये प्लांट फिर दोबारा खिलता भी नहीं है, तो आप इसको कट करके हटा सकते हैं। इसके नीचे से और ज़्यादा नए नए पप्स निकलेंगे तो आप उनको फिर, यानी कि नए नए जो प्लांट निकलते रहते हैं वो खिलते रहते हैं। फर्टिलाइज़र की बात करें तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, महीने में एक दो बार, एक आध बार, एक बार ही आप कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या गोबर की खाद दे दीजिए या फिर आप किचन वेस्ट कंपोस्ट दे दीजिए। और बनाना पेल का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें दे सकते हैं, मस्टर्ड के का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जिससे इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहेगी। और फुल सन में ही रखिए आप, अगर बहुत ज़्यादा तेज़, अभी तो हमारे यहाँ खुद यानी काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप होने लगी है, 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया है हमारे यहाँ दोपहर में, बिल्कुल दोपहर से लेकर 4 बजे तक 40 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो उस पर भी ये देखिए फुल सन में रखे रहते हैं और इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत अच्छे से चलते रहते हैं क्योंकि सन लविंग प्लांट है। और बहुत गार्डन वगैरह में भी आपने देखा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पूरी इसकी जो बाउंड्री वाल की तरह बनी होती है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसको किसी भी तरह से लगा सकते हैं और अपने गार्डन में, अगर आपके पास बड़ा एरिया है तो आप इसको ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, इसको वैजयंती भी बोलते हैं, कैना लिली भी बोलते हैं और केली भी बोलते हैं कई जगह पर, क्योंकि केला का, केला जैसे इसके पत्ते दिखते हैं इसलिए इसको केली भी कहा जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं।
तो बस मैंने आपको बता दिया इसको प्रोपोगेशन आप कैसे कर सकते हैं, सीड से कर सकते हैं और नीचे के प्लांट से कर सकते हैं। और पानी आप इसको अच्छा मॉइस्ट रखिए, इसकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा सूखने मत दीजिए, नहीं तो इसके पत्ते और ज़्यादा फिर बर्न होने लगेंगे, क्योंकि अभी गर्मी का बहुत ज़्यादा सीज़न है। बरसात में और ज़्यादा खिलते हैं, बिल्कुल भर भर के फूल आते हैं, बहुत प्यारे से फूल हैं और देखने में भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।